नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। सरकार ने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसी को लेकर लोगों के मन में चिंता बनी हुई है कि देश में कहीं एक बार फिर लॉकडाउन ना लग जाए। इसी को लेकर मेरठ में कुछ लोगों से बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता मनव्वर चौहान ने। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, लेकिन इस नाइट कर्फ्यू से किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा हम पहले बता रहे थे, लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हैं एक जिम में। यहाँ तमाम आप देखेंगे जो लड़के हैं वो जिम करते हैं, और खास तौर पर ये एक एकेडमी है जिसके अंदर न केवल जिम करते हैं, ये तैयारियां करते हैं और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन खेलते हैं। जो मिस्टर अनुज तालियान है, मिस्टर इंडिया रहे हैं, वो यहीं से निकल कर गए हैं। ऐसे में इस जो ये तमाम लड़के हैं इन पर क्या फर्क पड़ेगा और जिम के जो कारोबार हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जिम कारोबारी से बात करूंगा और जो लड़के यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं यहाँ पर जिम करने आता हूँ। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, शाम को यहाँ वर्कआउट करने आता हूँ। लेकिन क्या है कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपना काम में रहते हैं, खाते पीते हैं, शाम को हमें टाइम मिलता है वर्कआउट करने का। अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारा पेट निकल जाएगा, जो हेल्थ हमने बनाई है उसको कहाँ से मेंटेन करेंगे। शाम को वर्कआउट करने के बाद हम जब डाइट लेने जाते हैं 10 बजे के बाद, अपना जो भी जूस शेक वगैरह, प्रोटीन शेक जो भी हमें मिलता है, वो 10 बजे के बाद हम कैसे शो कीपर जो होते हैं वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये समस्या तो है ही। इसके अलावा जो लोग लड़के तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन खेल रहे हैं, आपने कंपटीशन हाल ही में खेला है, मैंने कोई इंटरव्यू देखा था आपका, तो ये बताइए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कितना फ़र्क इससे पड़ेगा लॉकडाउन के रात? इससे हमारा तैयारी पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तैयारी करता हुआ लड़का अभी कॉम्पिटिशन खेला है, फिर अगले कॉम्पिटिशन की तैयारी वो करेगा, तो उसके लिए अब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो अनफिट हो जाएगा। डाइट फॉलो करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। नेशनल लेवल के भी खिलाड़ी जो हैं, इससे इफेक्ट पड़ेगा बहुत। ये जो खास तौर से जिम का कारोबार है, देखा जाए तो अमूमन जो जिम होते हैं रात के 12 बजे तक खुलते हैं, और चूँकि जो प्रोफेशनल लड़के होते हैं वो 10 बजे के बाद ही आते हैं चूँकि क्राउड कम हो जाता है। ऐसे में मेरे साथ सऊद है। सऊद, ये बताइए, आप यहाँ जिम चला रहे हैं एक ज़माने से, अब ये बताइए इस लॉकडाउन से, नाइट कर्फ्यू है, इससे आपके कारोबार पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि जो लड़के हैं उनकी हेल्थ तो बेकार होगी ही होगी, और जो इम्यूनिटी की बात की जाए, अगर इम्यूनिटी जिम करेंगे, व्यायाम करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ती है, नहीं करेंगे तो घटती है, तो ये टेक्निकल चीज़ देखी जाए तो उल्टा हो जाएगा, क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर यहाँ पे लड़के जो है ना तरावी पढ़ के ही रात को आते हैं, तो रमज़ान की बात हो गई, अब जो फिलहाल लगा है रमज़ान नहीं है, तो अभी तो कितना फर्क पड़ेगा, रमजान में कितना पड़ेगा, दोनों बताएं। जिम जो है ओपन 11 बजे तक रहता है, 11:15 तक रहता है, लड़के रात को अपनी शॉप बंद करके आते हैं, करीब 11:15 बजे तक चलता है, तो उसमें जो है हमें बहुत दिक्कत होएंगी और परेशानी होएंगी। लड़के जो है यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, अभी हाल फिलहाल में UP खेल के आए हैं, फेडरेशन कप खेल के आए हैं, फेडरेशन खेल के आए और उनकी सेकेंड प्लेस भी लगी है, और मिस्टर UP में सद्दाम खेल के आए, उनकी भी सेकेंड प्लेस लगी है, अनुज तालियान भी यहीं से ही हैं, और ऐसे में काफ़ी लड़के हैं, उनकी डाइटिंग पे जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनमें रात में डाइटिंग नहीं मिल पाएगी, जैसे चिकन वगैरह अंडे दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये शौक जो है, ये जो खेल है, ये काफ़ी महंगा खेल है, काफ़ी मेहनत होती है इसके अंदर, लेकिन जिम बंद होने के चलते जब कितनी दिक्कतें होंगी ये तमाम चीज़ें बता रहे थे, लेकिन अब ये बताइए आप यहाँ, मैं देख रहा हूँ जमाने से हैं, अच्छा कितनी दिक्कतें होंगी, और जो आपका जो बिल्डिंग है रेंटल है और जो तमाम चीज़ें रेंटल है, और ख़ास तौर से जो लोग डाइट लेते हैं वो काफ़ी हैवी डाइट होती है और काफ़ी महंगी डाइट होती है, तो क्या इन चीज़ें को ये गड़बड़ाएंगी रात के बाद? क्योंकि रात में ही जो चिकन बॉयल मिलता है और जो फिश मिलती है और तमाम जो चीज़ें हैं, जूस वूस, क्योंकि तमाम लोग निकलते हैं 9-10 बजे अमूमन जिम करने के बाद निकलते हैं तब खाते हैं। देखिए सर, अभी तो 4-5 दिन है रमज़ान के अंदर, जैसे हमारा जो है रात पूरी रात जिम खुलता है रमज़ानों में, सुबह हम बंद कर देते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। रात को तो बंद हो जाएगा क्योंकि कर्फ्यू लगेगा, तो बंद जो हो जाएगा इसमें बहुत प्रॉब्लम होएगी, रेंट चढ़ जाएगा, सुबह तो हम बंद ही कर देते हैं रोज़ा। लड़के सुबह में जो है जो अकीदतमंद होंगे वो तो रोज़े रखेंगे, वो जिम नहीं कर पाएंगे, रात को बंद रहेगा, तो ऐसे में जो इस तरह के लड़के हैं जो तैयारियां भी कर रहे हैं, जो जिम भी करते हैं अमूमन, तो उनको उनकी हेल्थ के साथ क्या प्रॉब्लम होगी और क्या इम्यूनिटी भी डाउन होगी? जी इम्यूनिटी भी डाउन होगी, हेल्थ भी बेकार हो जाएगी, जो उन्होंने पैसा खर्च करा है वो भी बेकार हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी, लड़कों को भी दिक्कत आएगी, और हमारा भी इसमें बहुत नुकसान है, क्योंकि रेंट है, लड़के आने की नहीं है, हम पे भी रेंट चढ़ेगा, हमारा भी नुकसान है, बिजली है, स्टाफ का खर्चा है, सब यहाँ पे स्टाफ बहुत बड़ा है हमारा, तो इन्हें भी बहुत नुकसान है, हम इन्हें कहाँ से देंगे?
तो ये जो समस्या है खासतौर से जिम कारोबारियों के साथ ये समस्या बनेगी, और जो लड़के तैयारियां करते हैं उनके साथ तो समस्या है। हालांकि नाइट कर्फ्यू से ये दिक्कतें बनेंगी, लेकिन सरकार भी चाहती है कोरोना संक्रमण ना बढ़े और लोग सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो लोग दिन में लापरवाही बरतते हैं केवल उनको उन पर लगान लगाने के लिए और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन देखना यह भी होगा कि नाइट कर्फ्यू का वास्तव में क्या इफेक्ट लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि पूर्व में देखा गया तमाम चीज़ें बंद हो गई थी और उससे पूरी जो अर्थव्यवस्था थी गड़बड़ा गई थी, लेकिन अब क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी सलमान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपसे गुजारिश करता है कि बढ़ते कोरोना से बचाव के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि खतरा भी टला नहीं। और हाँ, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले और साबुन से हाथ जरूर धोएं।